Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying admission of a partner and the concept is treatment of goodwill and iske andar jo concept hai wo hota hai rising and writing of goodwill. Goodwill raise karenge fir write up kar denge. Chintan and Ayush are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Inka old ratio hai 3:2. इनके साथ सुधा वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/10 शेयर. तो सुधा 1/10 शेयर के लिए एडमिशन ले लिया. तो हम न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे. लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फार्म बी 1 से सुधा 1/10 ले लिया तो चिंतन और आयुष के लिए रहेगा 9/10. रेस्ट शेयर ऑफ चिंतन एंड आयुष आफ्टर सुधा एडमिशन, ये 9/10 को चिंतन ले जाएगा 3/5 और आयुष ले जाएगा 2/5. तो चिंतन न्यू शेयर 3/5, आयुष का न्यू शेयर 2/5 और सुधा का 1/10. और डेनोमिनेटर 50 करने के लिए हम क्या करेंगे, सुधा का शेयर में 5/5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका बनेगा 5/50. तो तीनों का डेनोमिनेटर इक्वल आ गया 50-50-50. रेशियो बनेगा न्यू रेशियो 27:18:5. सैक्रिफाइस की रेशियो निकालेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. चिंतन का सैक्रिफाइस 3/30, आयुष का 2/30. दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2. क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं. इसमें लिखा है सुधा ब्रिंग्स 40,000 एज प्रीमियम पर गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 70,000. 70,000 से 40,000 दे दिया तो 30,000 दिया नहीं, जो नहीं दिया उसको रेज कर देंगे. गुडविल ऑफ द फार्म टू बी रेज्ड एंड रिटन अप. 30,000 सुधा का शेयर है जो नहीं लाई, उसका शेयर का उल्टा मल्टीप्लाई करो 3 लाख. 3 लाख को रेज करो गुडविल टू चिंतन आयुष और राइट अप करो 3 लाख को चिंतन न्यू रेशियो में, चिंतन आयुष सुधा टू गुडविल 3 लाख को. फिर एंट्री स्टार्ट करो, कैश अकाउंट डेबिटेड या बैंक अकाउंट डेबिटेड कुछ भी. टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एक्चुअली 40,000 होगा, ये गलती से मिस्टेक में हो गया 70. देन प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव फ्रॉम सुधा, सुधा से 40,000 हमने रिसीव कर लिया. देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, जितना क्रेडिट उतना डेबिट. सुधा करेंट अकाउंट डेबिटेड, जितने पैसे गुडविल का प्रीमियम का शेयर सुधा का 70,000 है. 70 से 30 लाइए, 40 लेकर आइए प्रीमियम और 30 नहीं लेकर आइए. तो जो नहीं लेकर आइए और जो लेकर आइए, जो नहीं लेकर आइए सुधा करेंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है बाय डेबिटिंग इट टू सुधा करेंट अकाउंट. एकदम क्लियर लिखा है कि व्हेन अनपेड शेयर वाज एडजस्टेड थ्रू न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट पार्ट ए, दिस इज केस ए. तो न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में टू चिंतन कैपिटल अकाउंट टू सुधा कैपिटल अकाउंट, चिंतन कैपिटल अकाउंट टू आयुष कैपिटल अकाउंट, 70,000 को 3:2 में बांटा. और क्वेश्चन में लास्ट लाइन में लिखा है थर्ड लाइन में गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ 40,000. गुडविल बुक में ऑलरेडी अपीयर कर रहा है तो इसका नरेशन होगा बीइंग प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड एंड रिसीव्ड ट्रांसफर्ड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. देन जो गुडविल अपीयर कर रहा है 40,000 बुक में उसको राइट अप कर दो. ओल्ड पार्टनर चिंतन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. ये जो गुडविल 40,000 का बुक में अपीयर कर रहा है उसको ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 3:2 में बांटो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:2 है जो कि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में है, बट जो गुडविल राइटिंग अब होता है ओल्ड रेशियो में. ये देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो में लिख दो बीइंग गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो, ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक नाउ रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो. और बाकी जो 30,000 नहीं लाया ये एक तरीका होता है, इस तरीके में हम कर सकते हैं. और दूसरा तरीका होता है गुडविल रेज करो 3 लाख को राइट अप कर दो. गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू चिंतन कैपिटल अकाउंट सीधा आयुष कैपिटल अकाउंट. बीइंग गुडविल रेज्ड इन ओल्ड रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स, ये ओल्ड रेशियो रेज हो गया
फिर राइट अप हो जाएगा चिंतन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। जो रेज किया था 3 लाख उसको राइट अप कर दिया न्यू रेशियो, क्योंकि हमने न्यू रेशियो निकाल लिया तो न्यू रेशियो में 27:18:5 में राइट अप कर देंगे। बीइंग गुडविल ऑलरेडी रेज्ड इन द बुक्स रिटन अप इन न्यू रेशियो अमंग ऑल पार्टनर्स, और जर्नल को टोटल कर देंगे। दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर।